अनामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की उपासना और शिव की भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक बहुत ही बलवान क्षत्रिय रहता था। एक दिन उसकी किसी ब्राह्मण से हाथापाई यानी विवाद हो गया और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों से ब्राह्मण की मृत्यु होने के बाद उसकी क्रिया करने का विचार उसके मन में आया, लेकिन बाकी पंडितों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। साथ ही उसे बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का परम दोष लगा है, पहले तुम्हें इस पाप से मुक्ति पानी होगी, इसके लिए तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया, सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से पाप से मुक्ति मिल जाएगी। क्षत्रिय ने पंडितों के बताए तरीके से व्रत किया। तब भगवान विष्णु ने उस क्षत्रिय को दर्शन दिए और उसे कहा, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। ऐसी मान्यता है इस व्रत को ब्रह्म हत्या जैसे बड़े से बड़े पाप से मुक्त पाने में आसानी होती है। कहा जाता है इस व्रत को पढ़ने और इस व्रत की कथा सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी की पूजा की बात करें तो इस दिन शंख चक्र गदा धारण किए भगवान विष्णु की सच्चे मन से अर्चना करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार कामिका एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान के सामने घी अथवा तिल के तेल का दीपक जलाता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। साथ ही इस दिन जो व्यक्ति मंदिर तुलसी के नीचे, केले के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाता है तो उसे अच्छे पुण्य प्राप्त होता है। कामिका एकादशी को भगवान विष्णु की सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूँ, दीजे ज्ञान बताए। जय भरा भगवान विष्णु।